बहराइच हिंसा के दो आरोपी सरफराज और तालीम का एनकाउंटर, नेपाल भागने की कोशिश में थे दोनों आरोपी। एनकाउंटर में तालीम के दाहिने तो सरफराज के बाएं पैर में लगी गोली, इलाज के बाद बहराइच पुलिस ने किया अरेस्ट। बहराइच हिंसा केस में सभी नामजद 6 आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने आज 5 गिरफ्तारियां की। कल राजा उर्फ साहिर खान पकड़ा गया था। एनकाउंटर पर बहराइच एसपी का बयान, कहा आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी डीजीपी का जवाब, दोनों आरोपियों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। सामने आया रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का वीडियो, झंडा हटाने के बाद अब्दुल हमीद के घर की छत पर मारी गई गोली। बहराइच में इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद पुलिस अलर्ट, महाराजगंज बाजार में भारी पुलिस बल तैनात। बहराइच एनकाउंटर पर राजनीति शुरू, अखिलेश यादव बोले नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर किया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी यूपी सरकार पर बरसे, कहा योगी की ठोक देंगे नीति खतरनाक, प्रदेश में कानून का खुलेआम उड़ रहा मजाक। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने भी एनकाउंटर पर उठाए सवाल, बोले प्रदेश में दंगे और फर्जी एनकाउंटर करवा रही सरकार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मांग, दुकानें जलाने वाले दंगाइयों का भी होना चाहिए इलाज। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ओपी राजभर का पलटवार, कहा अपराधी या तो जेल में होंगे या जमीन के अंदर, योगी सरकार में कानून का राज है। बहराइच एनकाउंटर पर बोले गिरिराज सिंह, ऐसे अपराधियों को तो खत्म कर देना चाहिए, वे जिंदा हैं यही काफी है। बहराइच हिंसा, पुलिस प्रशासन और सरकार की विफलता, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बटोगे तो कटोगे नारा नहीं कोडवर्ड है। बहराइच हिंसा पर सर्वर चिश्ती के भड़काऊ बोल, कहा अनाप शनाप कहोगे तो फूल नहीं बरसेंगे, बहराइच में एक्शन का रिएक्शन हुआ। नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 6 कैबिनेट मंत्री समेत 13 मंत्रियों ने ली शपथ। अनिल विज, कृष्णलाल पवार और राव नरबीर बनाए गए मंत्री, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी ने भी ली शपथ। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा बने मंत्री, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने। सैनिक कैबिनेट में सभी जातियों की भागीदारी, ओबीसी से 5, जाट, एससी और ब्राह्मण से 2-2 मंत्री बनाए गए, पंजाबी, राजपूत और वैश्य समाज से 1-1 मंत्री बना। शपथ समारोह के बाद हुआ ग्रुप फोटो सेशन, सीएम सैनी ने अपने मंत्रियों समेत पीएम के साथ खिंचवाई तस्वीर। सीएम नायब सिंह सैनी का, हरियाणा की जनता को भरोसा, सुशासन और समानता के लिए करेंगे काम। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले अनिल विज, सरकार में जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। कैबिनेट मंत्री बने श्याम सिंह राणा का बयान, हरियाणा के विकास के लिए मिलजुल कर करेंगे काम। श्रुति चौधरी ने मंत्री बनाए जाने पर नायब सैनी का जताया आभार, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में ना नीति बची है ना नेता। आप नेता संजय सिंह ने नायब सैनी को दी शुभकामनाएं, कहा उम्मीद है लोगों की भलाई के लिए करेंगे काम। चंडीगढ़ में हुई एनडीए के चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग, पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में 17 राज्यों के सीएम शामिल हुए। हरियाणा कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव ने छोड़ी पार्टी, रेवाड़ी से 6 बार विधायक रह चुके हैं। इंटरनल सर्वे में हार रही थी बीजेपी, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव टाला, सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप। मिल्कीपुर सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव की उम्मीद खत्म, सपा ने बाबा गोरखनाथ की याचिका वापस लेने का किया विरोध, 15 दिन बाद सुनवाई। बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का आरोप, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं कराना चाह रही है सपा। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने एक और प्रत्याशी उतारा, मीरापुर विधानसभा सीट से संबुल राणा को बनाया उम्मीदवार। सपा के दावे का कांग्रेस ने किया खंडन, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले उपचुनाव में सीटों पर कोई बात नहीं हुई। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में एमवीए की बड़ी बैठक, अनिल देशमुख बोले 10 सीटों पर बात फंसी, जल्दी सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी। चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख सुधीर मुंगट्टीवार का बयान, महाराष्ट्र के लिए महीने के आखिर तक मैनिफेस्टो जारी कर देगी बीजेपी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा, नांदेड़ से रविंद्र वसंतराव चौहान को बनाया प्रत्याशी। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महायुति को बताया झूठा गठबंधन, कहा इनके अलायंस में कोई तालमेल नहीं। कल मुंबई जाएंगे सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा महाराष्ट्र में पहले से अधिक सीटें मांगेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोले विजय वडेट्टीवार, यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में होगी सीट शेयरिंग। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर घेरे में महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग ने बिठाई जांच। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े धारा 20 से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव, जल्दी शिवसेना शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद सुर्खियों में आए थे वानखेड़े। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पी सरीन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटाया, अनुशासनहीनता के आरोपों पर की कार्रवाई। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहली कैबिनेट मीटिंग की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 19 अक्टूबर को झारखंड जाएंगे राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने प्रदेश को 20 साल तक लूटा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और किसान यूनियन के साथ बैठक की, किसानों से जुड़ी समस्याओं पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी बोले बदरुद्दीन अजमल के पास सबूत है तो दिखाएं, सच्चाई सामने आएगी। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने किया है दावा, नई संसद वक्फ की जमीन पर बनी है। रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा घटाई, 120 दिन की जगह अब 60 दिन पहले होगी बुकिंग, 1 नवंबर से नया नियम लागू। एसईओ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, विदेश मंत्रालय का बयान।
देश के 51वें सीजीआई होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, 6 माह का रहेगा कार्यकाल, 13 मई 2025 को होंगे रिटायर। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना को सिफारिश की कॉपी सौंपी, जस्टिस बी आर गवई रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता बरकरार, असम के लाखों लोगों को राहत। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर सुखा गिरफ्तार, पानीपत के होटल से गिरफ्तारी, सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर हमले की साजिश में थी तलाश। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस की जांच तेज, आरोपी शुभम लोनकर के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। भोपाल में तकनीकी शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन, छापेमारी में एक हथियार भी बरामद, स्थानीय पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 25 लोगों की मौत, सिवान में 20 और छपरा में 5 लोगों की गई जान। शराब कांड में सिवान से 9 और छपरा से 3 आरोपी अरेस्ट, डीजीपी आलोक राज का बयान। शराब कांड पर सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की, डीजीपी को घटना की मॉनिटरिंग करने और दोषियों पर एक्शन लेने को कहा। सीएम नीतीश बोले, शराबबंदी का लोग पालन कर रहे हैं लेकिन कुछ असामाजिक तत्व गलत काम कर रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव बोले, बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागज पर है, लोग मरे नहीं है, उनकी हत्या की गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा बोले, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं है, शराब की होम डिलीवरी होती है। बीजेपी नेता नितिन नवीन का पलटवार, सीएम ने अगर शराबबंदी की तो इस तरह की घटनाओं पर एक्शन भी लिया। जनसुराची प्रशांत किशोर बोले, शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों और नेताओं के भाषण में लागू है। प्रशांत किशोर बोले, शराबबंदी का फायदा भ्रष्ट नेताओं माफियाओं को हो रहा है, सभी जिलों में जहरीली शराब से लोग मारे गए। दिल्ली के लाल किला इलाके में निकली वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा, अरविंद केजरीवाल हुए शामिल। दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है, वाल्मीकि समाज के लिए कई फैसले लिए, सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की, अरविंद केजरीवाल का बयान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के मरवा का किया दौरा, आग लगने से जले 70 घरों के लोगों से की मुलाकात। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, लोगों को फिर से बसाना हमारी जिम्मेदारी, इस काम में पीएम राहत कोष की भी लेंगे मदद। असम के डिबालोंग में डीरेल हुई अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, 8 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है, सीएम हेमंता ने दी जानकारी। यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा, एक युवक घायल, हिंसा करवाने का आरोपी अरेस्ट। देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी का बदला सुर, फैजान ने कहा, नशे में लगाया था नारा, अनपढ़ हूं, अब गलती नहीं होगी। एमपी के मिसरौद का रहने वाला है फैजान, इंडिया टीवी से बातचीत में बोला, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। दिल्ली में धूल प्रदर्शन को कम करने की कोशिशें जारी, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किया जा रहा पानी का छिड़काव। दिल्ली के सीलमपुर में एक महिला की गोली मारकर हत्या, घर पर हुई बहसबाजी में रिश्तेदारों ने गोली मारी, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। कर्नाटक में सभी सरकारी आवास स्कूलों के नाम बदले, अब महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कहा जाएगा। कोलकाता के कैनाल ईस्ट रोड स्थित गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। राजस्थान के दौसा में चेकिंग के दौरान कार से करीब 2 करोड़ कैश बरामद, विधानसभा उपचुनावों को लेकर हो रही थी नाकाबंदी। बरेली के खुसरो कॉलेज में 400 छात्रों को फर्जी डी फार्मा की डिग्री देने का मामला, 3 आरोपी जेल भेजे गए। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कार और ट्रक की भिड़ंत, कार की छत धसी, स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को निकाला। पाकिस्तान की साजिश नाकाम, पंजाब के फाजिलका में आईडी बरामद, ड्रोन के माध्यम से भेजा था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कई जगहों पर तेज बारिश, जगह जगह पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। बारिश से प्रभावित चेन्नई के कोलाथूर का सीएम स्टालिन ने किया दौरा, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तरी गाजा में एक शेल्टर होम पर इसराइल का हमला, 15 लोगों की मौत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा कबूलनामा, निज्जर हत्याकांड में भारत के खिलाफ नहीं है कोई ठोस सबूत। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, कनाडा सरकार ने सिर्फ आरोप लगाए हैं, कोई ठोस सबूत नहीं दिए। कनाडा सरकार को विदेश मंत्रालय की 2 टूक, हम अपने राजनयिकों के खिलाफ झूठे आरोपों को खारिज करते हैं। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 5 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 84.07 रुपए। सेंसेक्स 494 अंक की गिरावट के साथ 81,006 पर बंद, निफ्टी भी 221 अंक गिरा। होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच में भारत का अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 रन पर टीम हुई ऑल आउट। भारत के 5 बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, विराट, केएल राहुल, जडेजा, सरफराज और अश्विन 0 पर आउट हुए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 20 रनों की पारी खेली, यशस्वी जायसवाल ने 13 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 180 रन बनाए, रचिन, रविंद्र और डीरेल मिचेल क्रीज पर है मौजूद। कप्तान रोहित शर्मा बोले, 46 रन का स्कोर देखकर दुख हुआ, मैंने ही पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। दिल्ली कैपिटल्स ने हिमांत बदानी को बनाया हेड कोच, वेणुगोपाल राव को क्रिकेट निदेशक बनाया। आईएसएसएफ विश्व कप 2024 के फाइनल में विवान कपूर का कमाल, ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। विवादों में फंसी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी, कहा जल्द अनाउंस करेंगे रिलीज की तारीख।